अपनी मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सभी पंचायत कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी के चलते लगातार जनपद पंचायत बागली के सामने सभी अधिकारी कर्मचारी एकत्रित होकर हड़ताल पर बैठे हैं, जहां पर प्रतिदिन अलग अलग स्वरूप में सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते सोमवार के दिन संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी मांगे पूरी न करने पर सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए अनोखे अंदाज में अपना विरोध प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारी अधिकारियों ने मटकों पर अपनी मांगे लिख कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जनपद पंचायत के मुख्य द्वार पर एकत्रित होकर सरकार के नाम के मटके फोड़े गए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। सामने सभी सचिव अधिकारी कर्मचारियों द्वारा यह मटका फोड़ कार्यक्रम किया गया, तो क्या है पूरा? आज जो है हमारे मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा के जो 18 संगठन है उसके आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज सभी 313 ब्लॉकों में सभी जनपद मुख्यालय पर धरना स्थल पर इस प्रकार की जो रणनीति बनाई गई कि मटके फोड़े जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन भूंगी बहरी हो गई है। हमारी जो है आज 10 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं, 11वां दिन है आज, और हमारे लगातार जो है आवाज़ पहुंचाने के बाद भी शासन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। इसी प्रयास में आज हम लोगों ने जो है कहीं ना कहीं इनका मटका भरा गया है। इस बात के संकेत के लिए हमने आज लोग जो है जनपद मुख्यालय पर मटके फोड़े हैं और शासन कहीं ना कहीं हमारी बात सुने, इस ओर ध्यान आकर्षण किया गया है। यदि आपके समय रहते देखिए, हम लोग 12 तारीख को चेता चुके हैं सरकार को कि 22 से हड़ताल शुरू होगी। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, 22 से हड़ताल शुरू हुई और हम अभी भी आपके मीडिया बंधु के और चैनलों के माध्यम से हम सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को परेशान कर दिए। सभी 23,000 पंचायतों में 52,000 गांवों में ताले लगे हुए पड़े हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है और अगर हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आंदोलन और उग्र होगा और ज़्यादा स्थितियाँ बिगड़ेगी, इसकी पूरी जिम्मेदार सरकार है। क्या नाम है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।